रूल नंबर 3, मर्द को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। तुम्हें अपना लुक चेंज करना होगा। क्यों, मेरे लुक को क्या हुआ? अभी तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन तुम्हें अपनी तरफ उसे खींचना होगा। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? यहाँ पर मर्दों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हेलो, आपको कोई हेल्प चाहिए? हाँ प्लीज, हमें चाहिए एक कॉकटेल ड्रेस, टाइट जीन्स, सम ब्रास, इट विल मेक माय फ्रेंड्स प्रेस सिट अप एंड से हेलो। They're not saying hello now. What are they saying? Actually, they're giving off more of a passing nod rather than an outright greeting. You know what? Why don't you try this on? I think this would be wonderful. Now that is a bra. Boobies in this thing say, put me in your mouth. I taste good. I'm actually wearing one right now as we speak. कपड़ों में लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इतनी छोटी हो कि तुम्हारी टांगे दिखें, और ध्यान रखो कि कपड़ा हवा से न उड़ जाए। और तुम्हारा बाकी सब क्यूट है। अच्छा, जीन्स तुम्हारी हिप्स को सही शेप देता है। जरा मुड़ो, देखो तुम्हारे पास बॉडी बहुत अच्छी है, बस उसे जरा दिखने लायक बनाना होगा। तुमने अभी भी कहा मेरी बॉडी अच्छी है। मैं बस तुम्हें ये याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या है। रूल नंबर 4, कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो। मर्द ना सुनते हैं ना परवाह करते। कुछ मर्द केयर करते हैं। नहीं, वो परवाह करने की एक्टिंग करते हैं। अगर वो पूछते हैं कि तुम कैसे हो, इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ओह, मुझे पता है, तुम्हें लगता है कि कॉलिन ऐसा नहीं है ना, पर वो ऐसा ही है। अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता है, तब भी उसने तुम्हारे एक एक बॉडी पार्ट को कम से कम 10-10 हज़ार बार सोचा होगा। तुम ये 10-10 हज़ार वाली बात अंदाजे से बोल रहे हो या फिर? मैं अंदाजा नहीं लगाता, मैं जानता हूँ। रुको, हमें एक जगह और जाना है। क्यों, अब कहाँ जाना है? नहीं, तुम्हारे बालों का कुछ करना पड़ेगा। मर्दों को लड़कियों के बाल खींचना ज्यादा पसंद है। मेरी बात समझ। मेरे बाल अच्छे हैं, मुझे अपने बालों के साथ कुछ नहीं करना। अभी पोनीटेल तब बांधते हैं जब कोई भारी भरकम मशीन चला रहे होते हैं या कोई बाल्टी साफ कर रहे होते हैं, और ये दोनों ही काम रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं होते। मतलब अब किसी को रोमांटिक फील करवाना भी मेरा ही काम है, तो वो क्या करेगा? चुप करो। अब क्या करूं? इतना भी बुरा नहीं है। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं फनी दिखूं, प्लीज। मैं चाहता भी नहीं कि तुम फनी दिखो। तुम्हारी दो पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक सेंट और एक सिनर की, एक लाइब्रेरियन और एक सुपर मॉडल। ओके, सुपर। कभी मर्द को अपनी तरफ देखने भी मत दो, और कभी उसे अपनी तरफ लुभाओ। कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारा दीवाना हो जाए। चलो, तुम्हें फ्लर्ट करना सिखाता हूँ। मैं फ्लर्ट कर सकती हूँ। तुम्हें पता है फ्लर्ट कैसे करते हैं? हाँ। तुम कहती हो कि मैं हूँ एबी और मुझे टॉलस्टॉय को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे कैट्स पसंद है, मुझे गार्डनिंग पसंद है, मुझे रोमांटिक पिकनिक्स पसंद है। इसे फ्लर्टिंग नहीं कहते। हे बेब, आज कौन से कलर की पहनी है? हे, अगर पूछ रही हो तो एक काम करो, तुम खुद ही देख लो। हाँ तो दिखाना यार, तड़पा क्यों रही हो? खुद से क्या शर्माना, ये तो ओपनिंग है, जाने जाना। तुम्हारी कमर बिल्कुल लॉलीपॉप जैसी है यार। सच में एक परेशान आत्मा हो, पता है? तो एक अच्छी स्टूडेंट बन जाती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? ये जो अपनी उंगलियां चला रही हो, वो बंद करो इसे। क्यों, गुदगुदी हो रही है? हाँ शायद। अजीब बात है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। सच में? सच में। देखो, टीचर को सिखाने की कोशिश मत करो, ठीक है? कौन है? कॉलिन। कॉलिन आ गया। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? शांत हो जाओगे, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। एक मिनट में अपनी बात खत्म करना, मैं बस अभी आता हूँ। मिनट में जाओ, एक मिनट में। ओके, नहीं रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? हाय। हे, वाओ, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स, मैं बस किचन में बर्तन धो रही थी। तो वैसे आज क्या हुआ था? क्या क्या हुआ था? यही कि मुझे होल्ड पर रखकर चली गई और कॉल नहीं किया। ओह माय गॉड, वो क्या तुम थे? आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। कॉलिन, क्या तुम मुझे प्लीज थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हो? मैं बस इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, बर्तन धो रही हूँ ना। अभी सुनो तो। अब क्या करूँ? देखो, कोई जल्दी नहीं करनी है, उसे बस ऐसे ही तड़पाती रहो। ओके, उसे तड़पाऊं। ओके, ठीक है। अभी क्या तुम सैटरडे को मेरे साथ बेसबॉल गेम देखने आओगी? बोलो।